जय हिंद प्यारे साथियों। साथियों आप सब ने बहुत सारा कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट किया था कि सर क्राइस्ट न्यू कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताइए विस्तारपूर्वक। इसके अंडर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और इसके सीखने के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं। आपके जितने सारे भी कमेंट में क्वेश्चन थे मैं सभी का आंसर देने वाला था। वीडियो के अंत तक जरूर बने, आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये मेरा लैपटॉप का जो वर्ड, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी वर्ड में यहाँ पे आप मैंने सेटअप किया है आपको समझाने के लिए। इसी सेटअप के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट समझा पाऊँगा कि आप किस तरह से इसको आप समझ पाएंगे। तो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा होगा एनकेडी ऑनलाइन सर्विसेज। एनकेडी ऑनलाइन सर्विस मेरा एक यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि हमारा चैनल पर जितने भी सारे लोग ज्वाइन है ये मेरा एनकेडी ऑनलाइन सर्विसेज यूट्यूब चैनल का नाम है। मेरा नाम नंदलाल कुमार हुआ, ये मेरा फ़ोन नंबर हुआ। इसके बाद आपको देख सकते हैं गाइस, आपने जो पूछा था कि क्राइस्ट कंप्यूटर कोर्सेज होता क्या है, तो क्राइस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के अंडर क्या क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राइस्ट कंप्यूटर कोर्सेज के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अंडर दिस कोर्सेज यू विल बी लर्न। इस कोर्सेज के अंडर आप क्या क्या सीख सकते हैं, इसके अंडर आप सीख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेजेस। इसके बाद आप सीख सकते हैं ए टू जेड इंटरनेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस। इसके बाद आपको एक ऑल वर्किंग ऑफ साइबर कैफे के अंदर जितना भी वर्किंग है सभी आप सीख सकते हैं। इसके बाद या इसके अंदर सीएससी सेंटर के बारे में आपको विशेष जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा सीएसपी सेंटर, सीएसपी सेंटर के अंदर जितने भी सारे वर्किंग होते हैं कंप्लीट आपको जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद आप दिखाई दे रहा होगा डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेक्टर, जितना भी गवर्नमेंट का डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेक्टर, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक इस कोर्सेज के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम इसके, ये मेरा मेन टॉपिक्स हो गया फ्रेंड्स। फिर इस टॉपिक के अंडर कितने सारे वर्किंग है एक एक करके मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो का स्किप ना करेंगे, कंप्लीट वॉच करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के अंडर इसको अंडर कौन कौन सा नॉलेज आपको दिया जाएगा, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बताया जाएगा, बेसिक मल्टीमीडिया के बारे में बताया जाएगा, आप कैसे गाना डाउनलोडिंग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हार्ड सॉफ्टवेयर CD, DVD ये सब के बारे में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद पेंट आप जान पा रहे होंगे, पेंट के थ्रू आपको कैसे रिसाइज करना है फोटो वगैरह ये सब उसी के अंदर आएगा। वर्ड पेंट में आप कैसे रिज्यूम को बना सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद आपको फोटोशॉप जिस पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे बनाएंगे, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। फिर बेसिक MS Excel के बारे में बताया जाएगा, डाटा एंट्री के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको नॉर्मल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है, कई तरह का कुछ दिक्कत होता है, तो सब आपको वर्किंग भी इसमें बताया जाएगा। फिर बेसिक टाइपिंग हिंदी इंग्लिश आपको बताया जाएगा। फिर आप देख पा रहे होंगे ए टू जेड बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट क्लासेस, इंटरनेट क्लासेस के अंदर आपको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। तो इस टॉपिक के अंडर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट बताया जाएगा। इसके बाद क्रिएट ईमेल, आपको क्रिएट कैसे करना ईमेल, फिर सेंडिंग प्रोजेक्ट बताया जाएगा, फिर यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं उसको आपको बताया जाएगा, फिर अपना वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उसको बताया जाएगा, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन वर्किंग और ऑफिशियल वर्किंग कैसे कर सकते हो उसको बताया जाएगा। फिर इस कोर्सेज के अंडर आपको फ्रेंड्स बताया जाएगा ऑल फ्रॉम अप्लाई नॉलेजेस, इसके बारे में आपको देखिए यहाँ पे सेक्टर भी बांट दिया गया है। डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको इंडियन आर्मी का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, SSC का, GPSC का, रेलवे, NDA, इंडियन नेवी, BSF, SSF, इंडियन एयरफोर्स, ये सभी को आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आपको लाइव आपको बताया जाएगा इस कोर्सेज के माध्यम से। इसके बाद ऑफिशियल सेक्टर में आप देख सकते हैं UPSC, JPSC, सरकारी रिजल्ट का जो पोर्टल होता है उसके बारे में विस्तारपूर्वक यहाँ बताया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट, आधार कार्ड करेक्शन, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, झारभूमि, झारखंड रिक्वायरमेंट, जैक जो गवर्नमेंट वेबसाइट, सभी के बारे में यहाँ पे आपको सारा जानकारी विस्तारपूर्वक से दिया जाएगा इस कोर्सेज के माध्यम से। इसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशनल वेबसाइट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा, जैसे सरकारी रिजल्ट के अंडर जितने भी सारी फॉर्म अप्लाई होते हैं उसको आपको विस्तार से बताया जाएगा। फ्री कल्याण का आप देख सकते हैं, झारखंड का ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा, झार अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा, ट्रांसफर पोर्टल जो BA का भी चल रहा है पूरे झारखंड ऑल ओवर में उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, BBU के पोर्टल के बारे में बताया जाएगा, BHU के बारे में बताया जाएगा, फी विद्या वाहिनी, NSP, अन अकेडमी, सभी पोर्टलों के बारे में आपको विस्तारपूर्वक से आपका ज्ञान दिया जाएगा। बात फ्रेंड्स इसी कोर्सेज में आप साइबर कैफे की वर्किंग सारा सीख सकते हैं। इसके अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे, रेलवे टिकट कैसे बुकिंग करेंगे, फ्लाइट टिकट कैसे बुकिंग करेंगे, प्रिंट सेटअप, पे सेटअप, रिज्यूम ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, पेन कार्ड अप्लाई, पेज सेटअप इन परफॉर्मेंस, PDF, JPNG, PNG क्या होता है, डाटा एंट्री, फोटोकॉपी प्रेफरेंस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनता है, इसके बारे में और कई तरह के आपको विशेष जानकारी आपको प्रदान किया जाएगा, वो भी प्रूफ और लाइव प्रूफ, प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ।
इसके बाद आपको एक दिखाई दे रहा आपका टॉपिक ऑल वर्क्स अंडर द सीसी सेंटर। सीसी सेंटर के अंडर जितना भी सारे वर्किंग होता है इसी कोर्सेज के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने सारे वर्किंग आते हैं सभी सीएससी सेंटर के अंडर होते हैं। जैसे कभी ई श्रम कार्ड अभी प्रभावित ई श्रम कार्ड अभी अप्लाई हो रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। फिर ड्राइवरी लाइसेंस इसके अंडर भी आता है, रेलवे टिकट भी इसी के अंडर आता है, इंश्योरेंस आप कैसे कर सकते हैं, बिजली बिल कैसे पे कर सकते हैं, इन सभी विशेष जानकारी आपको इस कोर्सेज के माध्यम से आपको प्रदान किया जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं ऑल वर्किंग अंडर द सीएसपी सेंटर। सीएसपी सेंटर के अंडर कौन कौन सा वर्किंग आप सीख इस टॉपिक के अंडर आप सीख सकते हैं गाइस, विड्रॉल मनी फ्रॉम आधार, आधार कार्ड से आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं, फिर अकाउंट ओपनिंग आप कर सकते हैं सीएसपी सेंटर के माध्यम से, फिर मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, चेक मनी थ्रू आधार कार्ड के थ्रू आप मनी चेक कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इस बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं, बैलेंस क्रेडिट डेबिट भी कर सकते हैं, मिनी एटीएम भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे मिनी बैंकिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपको आ जाता है इसके बाद डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेक्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया डिजिटल सेक्टर के अंदर सभी गवर्नमेंट की सारे वर्किंग आ जाते हैं। डिजिटल मतलब आपको मोदी जी का भी स्कीम इसके अंडर आ जाता है, जैसे डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल स्कीम्स, जितने भी सारे स्कीम्स होते हैं, डिजिटलाइज, जितना के सारे वर्किंग आता है सभी वर्किंग इसके अंडर आ जाएंगे इसी कोर्सेज के माध्यम से। यह कंप्लीट आपको जो कोर्सेज से 2 से 2.5 महीने के अंडर कंप्लीट आपको जानकारी पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर निम्नांकित सभी कार्य व कोर्सेज को गहराइयों के साथ कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा, साथ ही आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि आपको लाइफ के लिए वैलिड होगा। इसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं भी जॉब आप आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स को आपको बताने का मेरा 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य आपका जो कमेंट था गाइस उसको मैंने पूरा किया, साथ ही मैंने इस कोर्स को इसलिए बताया क्योंकि जो मेरा कोर्सेस जो हम चला रहे हैं ये कोर्सेस में आपको एक बैच चल रहा है, जो भी नए बैच इसमें आप शामिल होना चाहते हैं इच्छुक छात्र छात्राएं मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप इस क्रैश कोर्स में शामिल हो सकते हैं। यह क्रैश कोर्स से आपको 2 बेनिफिट होगी। पहली बात आपको जो है डायरेक्ट इस कोर्स करने के बाद आप किसी तरह का भी अपना साइबर कैफे सीसी सेंटर आप आसानी से खोल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको विशेष 2 तरह की आपकी जानकारी पेश कर दी जाएगी, आपको लाइव आपको बताया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल भी आपसे लिया जाएगा। इसके बाद ही आपको कंप्लीट प्रोसेस का आपका सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि यह आपको कोर्सेज कहीं पे भी आपको चतरा जिला में कहीं पे भी आपको नहीं सिखाया जाएगा। यह कोर्सेज उसी व्यक्ति को सिखाया जाएगा जो 10th पास कर चुके हैं और इच्छुक अपने दिल के साथ ये आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स करने के बाद मुझे ही 10 स्टूडेंट चाहिए जो अलग अलग शॉप में मुझे डिमांड है वहाँ पर आपको सेटलमेंट करवाएंगे, तो आप कोर्सेज को कम्प्लीट करने के बाद ही आपका जॉब लग पाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। धन्यवाद।